दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। चलो बच्चों ध्यान दो, आपके बुक का चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लास 8 में ये चैप्टर दिया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में देखो बेसिकली आपको जानना है एनर्जी के टाइप्स के बारे में, है ना। आप इस चैप्टर के अगर आपने इंट्रोडक्शन वगैरह को देखा या नोट्स जो मैंने भेजा था अगर वो आपने बनाया है, तो आपको सबसे पहले पता है कि हम लोग सबसे स्टार्ट जब करेंगे तो एनर्जी का एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन जो होगी उसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पढ़ेंगे और भी कई सारी ऐसी ही टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ते चलना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हम जानना स्टार्ट करते हैं एनर्जी के बारे में, तो पहले के क्लासेस में भी आपको पहले ही बताया जा चुका है दैट द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। आप सभी जानते हैं, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, आप चैट बॉक्स में एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लिखिए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में एग्जांपल्स कुछ एनर्जी के। बढ़िया, हीट एनर्जी, चलो और बताओ। लाइट एनर्जी, हाँ ठीक है। विंड एनर्जी, गुड। साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। नेचुरल एनर्जी, ये भी ठीक है, और बता दो। अच्छा ये तो ठीक है, केमिकल एनर्जी ये कम लिख देते हैं, इधर आगे काम आने वाला है इसका। केमिकल एनर्जी, इस टाइप से कई सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं हम लोग जिसके बारे में जानते हैं। हम लोग काफी सारी एनर्जी यूज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी वगैरह है ना, हम लोग जानते हैं इसको। बट क्या ये सारी एनर्जी एक ही जगह से मिल जाती है? हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो टाइप्स ऑफ एनर्जीज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इनका कोई क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, या बस ऐसी एनर्जी बोल के कुछ भी पढ़ लेना हम लोग को? तो ऐसा नहीं है, वी कैन क्लासीफाई एनर्जी को, हम लोग काफी इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले चलो क्लासिफाई करके देखते हैं हम लोग एनर्जी को ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मींस ये एनर्जी अकर कहाँ करती है, ये एनर्जीज नेचुरली पाई कहाँ जाती है, उस बेसिस पे हम लोग इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहला तो देख लेते हैं नेचुरल सोर्सेज क्या है एनर्जीज का। नेचुरल सोर्सेज मींस द एनर्जी विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाई नेचर। आपके बुक में भी दिया हुआ है, द टाइप्स ऑफ एनर्जी विच आर मेड अवेलेबल टू अस थ्रू नेचर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अवेलेबल टू अस थ्रू नेचर। इंसानों ने नहीं बनाया है इसको, ठीक है, नेचर ने ऑलरेडी दे दिया है। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी हो जाएंगी इसमें आप बता दो। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर बात करोगे तो आपने अभी भी एग्जाम्पल्स में पढ़ा है या अभी अपने एग्जाम्पल में बताया अभी, लाइक सोलर एनर्जी। हाँ वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड नितिन। सोलर एनर्जी हो गई, हाँ वेरी गुड। विंड एनर्जी हो गई, और बताइए। लाइट एनर्जी भी तो नेचुरल एनर्जी है ना। हाँ तो इस तरीके की जो एनर्जी है वो सारी की सारी क्या है, नेचुरल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद एक, अब अगर नेचुरल सोर्सेज की हम लोग बात करें तो सिंथेटिक सोर्सेज की भी तो बात करेंगे। सिंथेटिक सोर्सेज क्या होंगे बता दीजिए। द मोड ऑफ एनर्जी विच आर मैन मेड, डेफिनेटली द, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा होना पड़ेगा यहाँ लिखने के लिए। द एनर्जी विच आर मैन मेड,
यानी लोगों ने बनाया है, द एनर्जी विच आर मैन मेड, है ना, या फिर ऐसे लिख देते हैं जेनरेटेड थ्रू सम मैन मेड मटेरियल, कुछ ऐसी चीजें जो कुछ मैन मेड मटेरियल से जेनरेट होती हैं, मैन मेड मटेरियल्स। अभी मैंने देखा बच्चे ने ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे रखा है केमिकल एनर्जी, ये ठीक है, केमिकल एनर्जी अच्छी बात है, केमिकल एनर्जी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बैटरीज वगैरह में करते हैं, है ना, केमिकल एनर्जीज को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, बैटरीज में यूज कर रहे हैं, वाटर में कौन सी केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं बालक, वाटर नहीं ना, केमिकल एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं ना, कैलकुलेटर्स हो गए, वॉचेस हो गए, आपके फोन में भी बैटरीज हैं, लैपटॉप में है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जो है वो भी सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इफ यू आर जनरेटिंग विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप थर्मल पावर प्लांट से उसको जनरेट करा दो, डेफिनेटली क्या है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी का, ठीक है। सेकेंड क्या है, जो सेकेंड आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो एनर्जी की, वो कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आप एनर्जीज को क्लासिफाई कर सकते हो। तो देखो फिजिकल स्टेट जो है ना बच्चे, क्लास 8 हो क्लास 9 हो, आपको तीन ही पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस, बस ये तीन स्टेट है, फिजिकल स्टेट जो है ये तीन टाइप के हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अभी आप बता दो कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम बता दो जिनसे हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं बट वो सॉलिड स्टेट में है, लाइक कोल, बिल्कुल चारकोल भी हो जाएगा इसी में, कोल की बात हम लोग कर रहे हैं तो वुड डेफिनेटली, और बताओ कोई, तीन बहुत है ना, लिक्विड में बता दो, केरोसिन रख दें, डीजल ठीक है, पेट्रोल वेरी गुड एक्सेट्रा, ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सारे, पेट्रोलियम डायरेक्टली नहीं यूज करते ना, एलपीजी की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी पेट्रोलियम है यूज, ठीक है, तो डायरेक्टली पेट्रोलियम नहीं कहेंगे हम लोग क्योंकि सिर्फ लिक्विड स्टेट की बात करें ना हम लोग, तो पेट्रोल बोलिए डीजल बोलिए ये सब कुछ पेट्रोलियम का पार्ट है, ठीक है, वैक्स भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही आता है बट वो सॉलिड स्टेट में, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली पेट्रोलियम यूज नहीं कर रहे जब पर्टिकुलरली किसी फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है इस बात का ध्यान रखिए। गैस में आइए, गैस में अब लिख दो पेट्रोलियम गैसेज, लिख दो आराम से, कोई इशू नहीं है, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, सब कुछ पेट्रोलियम गैसेज में आते हैं, ठीक है, और बताओ, एलपीजी डेफिनेटली हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगी, ठीक है, अच्छा फुल फॉर्म क्या होता है एलपीजी का, ऐसा नहीं हो कि मैं बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ तुमको फुल फॉर्म ना मालूम हो, फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये याद रखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, दैट इज, हाँ वेरी गुड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो क्लासिफिकेशन था सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, उनको हमने सबसे पहले पढ़ा कि एनर्जी का जो सोर्स है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचुरल, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अकरेंस, कि भाई वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अकर कहाँ से कर रही है, क्या वो नेचुरली अकर कर रही है, क्या या फिर वो सिंथेटिक मेड है, मतलब सिंथेटिक मीन्स या फिर वो मैन मेड है। सेकेंड चीज जो है उसको हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, कि क्या वो सॉलिड फॉर्म में है, क्या वो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर क्या वो गैसियस फॉर्म में है। इसके बाद हम लोग जो थर्ड फॉर्म में उसको डिवाइड कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी,
ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कितने अवेलेबल हैं। तो इसमें भी देखो, आप पहले से आपको अंदाजा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के। वैसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सकता है एंड वैसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिन्यू किया जा सकता है और रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ये कोई बता पाएंगे? अगर आप बता पाएंगे तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। रिन्यू कैन बी यूज अगेन। हाँ बिल्कुल, और कोई बताओ। हाँ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज रिन्यूड फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक तो ये समझ लो कि मैं जरा इसको हटाता हूँ, नॉन रिन्यूएबल को, उसके बाद रिन्यूएबल को अच्छे से समझा देता हूँ, फिर हम लोग नॉन रिन्यूएबल को अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगा इसके लिए। पॉइंट वाइज देखते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पहले आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं दैट आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद देख लो क्या है, इट रिप्लेनिश इटसेल्फ। ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी ध्यान देना कि एक छोटे वक्त के बाद ये खुद को क्या कर लेता है, दोबारा रिप्लेनिश कर लेता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बता दो एग्जाम्पल्स की, अगर हम लोग बात करें तो बायोमास हो जाएगा, विंड एनर्जी ले लो, सोलर एनर्जी ले लो, है ना। सोलर एनर्जी नहीं लिखे यहाँ, सन लिखते हैं हम लोग, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सन ले लो, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अच्छा, इसको ना हम लोग इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स या इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग ऐसा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक छोटे वक्त के बाद खुद को रिप्लेनिश कर ले रहा है, खुद को ये दोबारा बना ले रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, आप बायोमास है, खुद को रिप्लेनिश कर लेगा। विंड एनर्जी का अगर आप यूज करो, विंडमिल्स आपने देखे होंगे कहीं के, विंडमिल्स अगर आप यूज को यूज में ला रहे हो, ह्यूमन बींग विंडमिल्स को यूज में लाते हैं, तो विंड का क्या है, लो प्रेशर हाई प्रेशर जनरेट होता है, विंड्स फ्लो करती रहती है, विंड्स नहीं खत्म होने वाली। सोलर एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, सूरज डेली सुबह उगता है, हम धरती पर धूप आती है, उस धूप को अगर हम यूज कर रहे हैं तो डेली सुबह आने वाला है, दिन भर रहने वाला है, वो खत्म नहीं होने वाला, वो खुद को रिप्लेनिश करता जा रहा है। सो दैट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसको ध्यान दे लो, इट गेट्स यूज्ड अप एंड डज नॉट रिप्लेस। रिप्लेनिश लिख लो, है ना, ये खत्म हो जाता है और खुद को रिप्लेनिश नहीं करता है, सबसे बड़ी चीज है, ये फिक्स्ड अमाउंट में है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एग्जॉसिबल नेचुरल एग्जॉसिबल रिसोर्स भी कहते हैं। एग्जॉसिबल नेचुरल रिसोर्स भी कह देंगे हम लोग इसको। ठीक है, अच्छा, इवन इफ इट गेट्स रिप्लेनिश, मान लो ये रिप्लेनिश हो भी जाए, देन ऑल्सो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसलिए हम लोग इसको नहीं रख सकते रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं,
नॉन रिन्यूएबल कहते हैं हम लोग उसका कि नहीं भैया ये तो रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि आप कितना लंबा वेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो पेट्रोलियम की बात कर लो आप, ठीक है, ये तो कैसे बनता है, फॉसिल से बनता है, ठीक है, तो ये रिप्लेनिश हो जाएगा बट मिलियंस ऑफ इयर्स फिर से लगेंगे, है ना। तो मिलियंस ऑफ इयर्स आप वेट करो तब जाके आपको पेट्रोलियम मिलेगा, तो आप इसको रिन्यूएबल थोड़ी करो कहोगे। तो इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं किसमें, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, ठीक है। अब चलो, अब अगर जब हम लोग फॉसिल्स की बात पे आ ही गए हैं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल्स, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले बता दो मुझे बच्चे फ्यूल क्या है, इसका डेफिनेशन दे दो चैट बॉक्स में जल्दी से कोई बता दो। फ्यूल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फ्यूल्स क्या है बताओ मुझे। बता दो, कोई भी वैसी चीज जो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ना, कोई भी चीज जो जनरली बर्न होके कम्बसन के साथ एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज अ फ्यूल, बिल्कुल, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करे उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं, ठीक है। नाउ फॉसिल फ्यूल क्या है, नाउ फॉसिल फ्यूल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वर फॉर्म्ड ओवर अ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर अंडर द अर्थ सरफेस, धरती के सरफेस के नीचे मिलियंस ऑफ इयर्स लगने के बाद इंटेंस हीट और इंटेंस प्रेशर के बाद जो फ्यूल बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, है ना। और ये बनता किससे है, यहाँ पॉइंट वाइज लिखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ रिमेन्स ऑफ इट इज मेड अप ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। हाँ बच्चों, लाइक पेट्रोल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इट टेक्स कितना टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ इयर्स टू कन्वर्ट दी ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी डेड प्लांट या एनिमल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में चेंज होने में मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस का मतलब 1 मिलियन का मतलब हो जाता है 10 लाख, तो ऐसे कई सारे साल लग जाते हैं तब जाके ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, और आगे एक और पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है। इट इज फॉर्म क्यों बन रहा है, ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर अंडर द सरफेस, है ना। अर्थ सरफेस के नीचे जो है वो इंटेंस हीट और प्रेशर के कारण ही फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, तो फॉसिल फ्यूल समझ रहे हैं आप, पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल गैसेस हो गए, ठीक है, कोल हो गए, ये सब कुछ एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल के, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी और डिटेल में जाएंगे। एक और जो टाइप है वो है वुड का, वुड एज अ फ्यूल काफी ज्यादा यूज करते हैं, चैट बॉक्स में भी देखा मैंने, बच्चन ने बार बार वुड लिखा, ठीक है। तो वुड को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं काफी ज्यादा चीजों के लिए, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी जनरली वुड प्रोवाइड करता है, एंड ये एक मेजर नेचुरल रिसोर्स है ना, इट इज अ मेजर नेचुरल रिसोर्स। अच्छा
इसको हम लोग कंसिडर करते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि कुछ साल बाद नए पेड़ आ जाएंगे, दोबारा वुड जो है वो आ जाएगा। अच्छा, ये वाली बात जो है ना, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इस बात पे ध्यान देना। कंबसन ऑफ वुड इज करेंटली द लार्जेस्ट सोर्स इज करेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ध्यान देना, ठीक है? लकड़ी को जला के जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है आज के डेट में, उतनी एनर्जी किसी और चीज से प्रोड्यूस नहीं की जाती है, ठीक है? और इसका यूज क्यों किया जाता है? कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, है ना? जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, ओकेजनली स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए स्टीम टर्बाइन जो होती हैं उनको चलाने के लिए यूज किया जाता है इनको, बट हमेशा नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, और क्या आप समझिए इसमें कि जब वुड का कम्बशन होता है इट प्रोड्यूसेस हीट, ये तो ठीक है, जिसके वैरायटी ऑफ यूजेस आते हैं, बट इसके साथ साथ मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डेफिनेटली हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है। और क्या मिलता है? अगर कंबसन अच्छे से नहीं हो पाया तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी एक खतरनाक गैस हमें मिलता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पॉइजनस गैस भी है। अगर आप इसको इनहेल करते हो तो आपको जो चीजें होंगी वो क्या है? इरिटेशन, सफोकेशन, और बहुत ज्यादा अगर इनहेल कर लिए तो डेथ भी हो सकता है। सो ये दोनों ऐसे गैसेज हैं जो कि अनडिजायरेबल होती हैं, है ना? और ये मिलती हैं, हीट तो मिलता ही है हमें, जब लकड़ी को हम लोग बर्न करते हैं तो हीट तो मिलता ही है हमें, बट इसके साथ साथ जो दो चीजें ये और मिलती हैं दैट आर अनडिजायरेबल, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट हम लोग ये कोशिश करते हैं, अभी क्लासेस में भी आपको ये बार बार बताया जाता है, दैट वुड जो है उसको एज अ फ्यूल कम से कम यूज किया जाए जब तक जरूरी। इसीलिए देखो मैंने बताया कि ओकेजनली स्टीम इंजन्स को या स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, कोल नहीं है या दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हीट एनर्जी मिल सकती है वो अगर नहीं है तब जाकर हम लोग यूज करते हैं इसका, सो दैट चीजें जो है वो बिना बाधित हुए आगे की तरफ बढ़ती रहे, काम होते रहे। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी अननेसेसिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इमेजिन करो एक महीना ऐसा कि लाइट ना हो घर में, तो सोचो लाइफ कितनी टफ हो जाएगी, है ना? फिर कहोगे सर पहले तो कोचिंग ही रुकेगा, क्लास ही नहीं हो पाएगा, आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा, कैसे क्लास लीजिएगा, है ना? वाईफाई नहीं चलेगा, कैसे चलाइएगा? सही बात है, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नहीं चलेगा हम लोग का, बहुत सारी दिक्कतें हैं। गर्मी तो सह लेंगे फिर भी, मान लो कुछ बच्चों के यहाँ घर पे इंडक्शन पे खाना बनता होगा, वो भी कष्ट है, खाना कैसे बनेगा, मोटर कैसे चलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत पानी कैसे आएगी, है ना? गर्मी का मौसम में एसी नहीं चलेगी, मान लो पंखा नहीं चलेगा, बहुत सारे कष्ट ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेसेसिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, और इसको जनरेट करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स का यूज करते हैं, और उस थर्मल पावर प्लांट्स में कोल ही यूज होते हैं एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, बट अगर कोल की कमी होगी तो ओकेजनली लकड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है? व्हाट इज कोल बता दो। इट इज अ रेडिली कंबसिबल, हाँ फॉसिल फ्यूल तो है ही बच्चा, और तुम तुम्हारा चैट पढ़ने में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा, इट इज अ रेडिली कंबसिबल ब्लैक रॉक, जनरली ब्लैक ही मिलता है ना, या फिर और अ ब्राउनिश कलर का भी मिल सकता है, और अ ब्राउनिश ब्लैक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेडिमेंट्री रॉक,
सेडिमेंटरी रॉक क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे। वो जियोग्राफी क्लास आपका जब हो रहा होगा तो वहाँ आप डिस्कस करिएगा रॉक की टाइप्स, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग किसी दिन स्पेशल क्लास लेंगे तो उधर डिस्कस कर लेंगे कि सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं। साइंस में इसका नाम क्या, किसका नाम, ठीक है। साइंस का ही नाम है उसका कोल, कोई और नाम थोड़ी है। ध्यान, सो इट इज अ फॉसिल फ्यूल, तो ठीक है। कब से बच्चा लोग कमेंट में लिख रहा है सर फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल तो है ही। इट डोमेस्टिकली यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, जल्दी बता दो। कुकिंग फूड है ना, घरों में खाना बनाने के लिए आज भी यूज किया जाता है कुछ गांवों में। हमारे यहाँ गैसेज पहुंच गई हैं, पीएनजी पहुंच गई हैं, तो ठीक है। बट अच्छा, ये जब हम लोग ये कर रहे हैं ना, तो अगर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें मिलेंगी साथ में, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में धुआं मिलेगा जो कि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक है। और क्या मिलेगा, फाउल स्मेल मिलेगा जिससे पूरा मूड खराब हो सकता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और काफी ज्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे बच्चे लोग, ठीक है। तो जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं कोल को, हीट काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू सॉरी कोल को जब आप बर्न करते हो तो हीट जो है वो काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनडिजायर्ड हैं, लाइक स्मोक काफी ज्यादा मिलना, फाउल स्मेल होना, एयर पोल्यूशन का बढ़ना, ये सारी चीजें जो है ना ये काफी ज्यादा बुरी हो जाती हैं। चलिए, वर्ल्ड वाइड कोल का यूज जो है पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है। हाँ, कोल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो अर्थ क्रस्ट से निकल रहा है, फॉसिल फ्यूल ही नॉन रिन्यूएबल है। कोल को जो कि एक फॉसिल फ्यूल ही है, कोल अगर नहीं भी यूज कर रहे तो किसी ना किसी टाइप के फॉसिल फ्यूल को ही यूज किया जाता है एज अ, बता दो किस चीज के लिए, एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और किस चीज के लिए, यूज्ड फॉर दी, अभी देखो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, यूज्ड फॉर दी जेनरेशन ऑफ, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को जेनरेट करने के लिए आज भी पूरी दुनिया में कोल या फिर किसी न किसी टाइप का फॉसिल फ्यूल का ही यूज किया जाता है, सो दैट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी जो है इसकी, उसका यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पा लिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, हम लोग जब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, काफी सारी हमारी जो गवर्नमेंट से ये बातें करती रहती हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, तो एक तो यही है भाई, आप ढूंढ लो कोई ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग उसी में, ठीक है। तो काफी हद तक कम हो जाएगा, बाकी जो डोमेस्टिक यूजेस हैं या दूसरी इंडस्ट्रियल यूजेस हैं उनमें भी कम करना होगा। तो चलो अकरेंस पढ़ लेते हैं आज हम लोग जल्दी जल्दी में, ठीक है, और इस क्लास को यही खत्म करेंगे। अगले क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अकरेंस ऑफ कोल को रिवाइज करते हुए, कोल के टाइप्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। अकरेंस ऑफ कोल कहाँ मिलता है, ये अंडर द अर्थ सरफेस है ना, काफी डीप अर्थ सरफेस में, काफी नीचे ये मिलेगा आपको, जहां बाकी सारे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। अंडर द अर्थ सरफेस मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। इंडिया में जो मेजर कोल माइंस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, किसी को पता है, चैट बॉक्स में लिखो। एक हमारा पड़ोसी है झारखंड, फिर एक हमारे मध्य प्रदेश वाले लोग हैं एमपी में, बिल्कुल। फिर देखो हाँ, पाड़ीघर के गांव चलते हैं उड़ीसा, वहां भी कोल माइंस हैं। फिर मेरे यहाँ भी चलो चलो वेस्ट बंगाल, वहां भी है, ठीक है। बिहार में नहीं, बिहार में मेजर कोल माइंस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लार्जेस्ट कोल माइन जो है इंडिया की, वो कहाँ है बच्चे,
लार्जेस्ट कोल माइन है वो कहाँ है जल्दी बताओ। देखो जो लार्जेस्ट कोल माइन है वो है बोकारो में, और एक और है झरिया में, ठीक है। और ये दोनों चीजें कहाँ हैं? झारखंड में। जो लार्जेस्ट कोल माइंस हैं वो इंडिया की, वो बोकारो और झरिया में हैं, झारखंड एंड रानीगंज। रानीगंज पे एक मूवी भी आई थी शायद, आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी तो देख सकते हो, उसको देखोगे तो पता चलेगा कि कितना खतरनाक भी होता है कोल माइंस। जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कितना खतरनाक होता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में काफी नीचे से मिलता है ये, ठीक है। काफी डीप एक्सकेवेशन करना पड़ता है उसके लिए, कोल माइंस बनानी पड़ती है, वहां से जाके ये चीजें मिलती है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और जहां तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।